सुबह लगभग 5:30-6 बजे के आसपास की बात रही होगी जब ये सूचना मिली कि ऋषभ पंत की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर मंगलौर और हम सभी पहुँचे, जहाँ सक्षम हॉस्पिटल रुड़की में उनका डॉक्टरों की टीम के द्वारा उपचार किया गया। उपचार के उपरांत बेहतर उपचार और एहतियातन उनको देहरादून मैक्स हॉस्पिटल रेफ़र किया गया है। कार में वो अकेले थे, स्वयं चला के आ रहे थे रुड़की अपने परिजनों से मिलने के लिए, और ऋषभ पंत का स्वयं मानना है कि संभवतः झपकी आने के कारण ये दुर्घटना हुई होगी, लेकिन अभी बाकी सभी पहलुओं से भी जानकारी की जा रही है। जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, इससे मुश्किल से 50 मीटर पर मेरी मार्केट है, प्रेम मार्केट के नाम से गुरकुलनाथन। जैसे ही हम सुबह निकले, 5 बजे का समय था फिक्स, तो गाड़ी घिसरती हुई आ रही थी, पतले खाती हुई, तेज़ी पे थी गाड़ी बहुत। और जैसे ही हम उसके करीब पहुँचे तो गाड़ी में पूरी तरह से आग लग रही थी। खैर, उनको गाड़ी से निकाल लिया, और कपड़े भी नहीं उनके पास नहीं थे, बस अंडर भी में वो निकाला उनको कपड़े वपड़े मिल गए। एक उनका बैग था वो निकाला, फिर उसके बाद काफ़ी लोग बाग आ गए। मैं तो फिर उनको एम्बुलेंस देखने चला गया हॉस्पिटल में, फिर पुलिस चौकी गए, वहाँ सूचना दी, फिर जो है हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से एम्बुलेंस लेकर आए, और फिर साथ के साथ उनको एम्बुलेंस में बैठा के हम लोगों ने तुरंत रुड़की के लिए रेफर कर दिया। और उनको एक आगे भाई किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना, ये मतलब क्रिकेटर बता रहे थे वो कि वो नाम है मेरा, फिर वो चले गए। 5 बजे सुबह, आज सुबह 5 बजे। चोट तो देखी जाए तो काफ़ी थी, सर पे भी चोट थी, पैरों पे चोट थी, कमर में बराबर वाले से रगड़ जैसे लग जाती, इस तरह की चोटें थी, तो पैर में ब्लीडिंग हो रहा था, बल्कि ब्लड वहाँ निकला भी। जिस हिसाब से गाड़ी की दूरी है 200 मीटर की लगभग बताई जा रही, कितनी तेज स्पीड पर गाड़ी होगी? गाड़ी की स्पीड 100+ ही होगी मेरे हिसाब से, 110-115 की स्पीड पर गाड़ी ना हो।